हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके KVS, PRT और TGT के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि KVS, PRT और TGT में जो आपका जनरल साइंस पूछा जाएगा, ठीक है, स्पेशली PRT में, ठीक है, तो उससे आपके क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं डिजीज़ के ऊपर, विटामिन्स के ऊपर, ओके। साथ ही DSSB के एग्ज़ाम में या फिर CTET हो, पेपर 2 जो आपके साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर UP TET हो या फिर कोई भी अदर टेट हो, तो ये विटामिन्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक एक करके इन विटामिन्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। साथ ही ये क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, क्या इनके फंक्शन है, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, क्या सोर्स होते हैं, और अगर इसकी हमें कमी हो जाए बॉडी के अंदर, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफिशियंसी, तो किस तरीके की डिजीज़ हो सकती है, तो सारे विटामिन्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका विटामिन है विटामिन ए, ओके। तो विटामिन ए जो है उसका आपका केमिकल नेम जो है वो है रेटिनॉल, ओके। तो ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका केमिकल नेम आपको याद होना चाहिए। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है। और ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है, हेल्प्स टू कीप आईसाइट एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ स्किन, हेयर, बोन्स एंड टीथ। ये हमारी आईसाइट को अच्छा रखता है, ठीक है, साथ ही हमारे स्किन को, हेयर को, बोन्स को और टीथ को बढ़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो विटामिन ए काफ़ी इम्पॉर्टेंट विटामिन है हमारे लिए। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो इजीली हमें कहाँ से मिलते हैं, ये ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों में ये हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। साथ ही जो कैरेट्स होते हैं यानी कि जो गाजर होते हैं, वो सबसे अच्छे यानी कि सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन ए के, ओके। और अगर इसकी कमी हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या डिजीज़ हो सकती है हमारी बॉडी में, वो उसे बोलते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो इसे कहते हैं रतौंधी। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B1। तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो है हमारा थायामीन, ठीक है। तो थायामीन हमारा क्या काम करता है बॉडी में, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, थायामीन। तो ये क्या काम करता है, क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, इट हेल्प्स द बॉडी कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इंटू एनर्जी। जो भी हम फूड खाते हैं, अगर उस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि जैसे आप चावल खाते हो, तो चावल क्या होता है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे हम केला खाते हैं, तो वो भी उनमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो क्या करता है, विटामिन B1 वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बिकॉज जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, पंप करना, सांस लेना, या कोई भी आप काम करते हो, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो विटामिन B1 वही करता है, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो हमारी बॉडी है वो क्या करे, प्रॉपरली फंक्शन कर सके, ठीक है। इसके सोर्स क्या है, कहाँ से मिलेंगे हमें, लेग्यूमिन्स से, ठीक है। लेग्यूम्स यानी कि जो आपके फलीदार प्लांट होते हैं, जैसे मटर हो गया, बीन्स हो गए, तो उन सब में आपके मिलते हैं। बनानाज हो गया यानी कि केले हो गए आपके, पोटैटोज हो गया, वाटरमेलन हो गया और फिश, ठीक है। तो ये सारे सोर्स क्या हैं हमारे विटामिन B1 के। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में, कमी हो जाए, तो हमें कौन सी डिजीज़ हो सकती है, बेरी बेरी। तो आपको डिजीज़ याद होने चाहिए, साथ ही इसके केमिकल नेम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B2। तो विटामिन B2 का जो हमारा केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइबोफ्लेविन हमारा क्या है, केमिकल नेम है किसका, विटामिन B2 का। और ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, मेंटेन्स रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC को ये मेंटेन करता है, एंड बॉडी ग्रोथ भी करता है, ठीक है। तो दोनों काम करता है हमारा विटामिन B2। और ये हमें सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, ये मिलता है हमें आलमंड्स में यानी कि बादाम में, ठीक है। तो आप ये फिगर या पिक्चर देख रहे होगे, आलमंड्स में हमें विटामिन B2 ईजिली अवेलेबल हो जाता है, और साथ में और भी चीज़ें होती है जिससे हमें विटामिन B2 मिलता है, ठीक है। और इसकी अगर आपको बॉडी में कमी हो जाए विटामिन B2 की, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन डिजीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। रैशेज पड़ सकते हैं स्किन पे, या फिर आई प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन B3। तो इसका केमिकल नेम क्या है विटामिन B3 का, नियासिन, ओके। तो विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है, नियासिन। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में क्या हो जाए, थोड़ा बैठ जाए, ठीक है, इनका केमिकल नेम, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है,
ये हमारी बॉडी में फंक्शन करता है, क्या करता है, मेंटेन्स हेल्दी स्किन एंड नर्व्स, ये हमारी नर्व्स को और स्किन को ठीक है क्या करता है, हेल्दी बनाए रखता है, कौन, विटामिन B3। और ये हमें इजीली कहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे राइस से, वीट से, पीनट से, मशरूम से और ट्रीज नट्स, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए, यानी कि इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफिशेंसी, बॉडी में विटामिन B3 की कमी हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या डिजीज़ हो सकती है, वो हो सकता है जनरली वाइट हेयर, सफ़ेद बाल हो सकते हैं, ठीक है, डल माइंड। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन B5, तो विटामिन B5 का केमिकल नेम है आपका पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। B5 का मतलब पेंट, पेंट मीन्स होता है 5, ठीक है, तो इसका नाम है केमिकल पेंटोथेनिक एसिड। और इसका क्या काम होता है हमारी बॉडी में, एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, जो भी हम फूड खाते हैं तो उसका जो केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है ना, क्या चीज़ होना है हमारे फूड का आगे चल के, जो भी हम खाते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है ना, मतलब कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एसिमिलेशन, जो भी होता है हमारा, वो सब क्या है मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाता है, ठीक है, जो भी हम फूड खाते हैं तो वो उसको क्या करता है, केमिकल प्रोसेस करता है, कौन, विटामिन B5। और सबसे बेस्ट जो सोर्स है B5 का, वो है क्या आपका, ब्रोकली, तो आप सबने देख रखा होगा मार्केट में, तो ये ब्रोकली है आपका, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए, यानी डेफिशिएंट हो जाए हमारी बॉडी में, तो क्या डिजीज़ हो सकती है, पेलेग्रा नामक डिजीज़ हो सकती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन B6, तो विटामिन B6 का केमिकल नेम जो है वो है पायरीडॉक्सिन, ठीक है, तो B6 का केमिकल नेम क्या है, पायरीडॉक्सिन। और ये क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, फॉर्म एंड मेंटेन रेड ब्लड सेल्स, यानी कि RBC को फॉर्म भी करता है, बनाता भी है और उसको मेंटेन करके रखता है, एंड साथ में ही ब्रेन फंक्शन को भी ये मेंटेन करता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट सोर्स जो है आपका, वो है रॉ गार्लिक, यानी कि जो कच्चा लहसुन होता है, वो सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन B6 का, ठीक है। अगर इसकी बॉडी में कमी हो जाए तो ये क्या डिजीज़ हो सकती है, एनीमिया, तो एनीमिया मीन्स होता है लैक ऑफ ब्लड इन द बॉडी, यानी कि खून की कमी हो जाना, तो उस प्रॉब्लम को या उस डिजीज़ को बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B7, ठीक है, तो इसका केमिकल नेम है बायोटीन, ओके। और इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि जो भी हम फूड खाते हैं, अगर उसके अंदर प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है, मेटाबॉलिज्म मतलब सिंपली क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो भी हम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट फूड खाते हैं, अगर उस फूड में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट है, तो वो उनको कन्वर्ट करता है सिंपली, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, उसको इजीली शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, तो वो कौन करता है, हमारा B7 करता है, ठीक है। और इसका बेस्ट सोर्स क्या है विटामिन B7 का, कहाँ से मिलता है हमें, वॉलनट्स, यानी कि अखरोट जो होते हैं, वो विटामिन B7 के आपके क्या है, बेस्ट सोर्स हैं। अगर इसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या हो सकता है, पैरालिसिस, हेयर लॉस, फैटीग, यानी कि थकान महसूस हो सकती है, या फिर मसल पेन, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, किसकी कमी से, विटामिन B7 की। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B9, तो जिसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड, तो विटामिन B9 का केमिकल नेम फॉलिक एसिड है। और ये क्या काम करता है, फॉर्म रेड ब्लड सेल, यानी कि RBC, ठीक है, एंड एसेंशियल टू प्रोडक्शन ऑफ DNA, यानी कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो ये आपका RBC भी फॉर्म करता है और साथ में DNA प्रोडक्शन का काम करता है, कौन, विटामिन B9, ठीक है। तो इसके सोर्स क्या हैं विटामिन B9 के, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स, दालें हैं, स्पिनच, पालक हो गया, सोयाबीन्स हो गए, या फिर ऑरेंज जूस, ठीक है, तो ये विटामिन B9 के सोर्स हैं। अगर विटामिन B9 की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, एज रिलेटिंग हियरिंग लॉस, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हियरिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ये सिंपली एज रिलेटेड फैक्टर भी है, कि एज एज के कारण जैसे आँखों में प्रॉब्लम हो जाना, वैसे ही सुनने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो सिंपली ये विटामिन B9 की कमी से होता है, ठीक है, और ये एज रिलेटेड फैक्टर भी है, ओके। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12, विटामिन B12 का हमारा केमिकल नेम जो है वो है साइनोकोबेलेमिन, ठीक है, तो विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबेलेमिन।
और ये क्या काम करता है, क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, ये भी हमारा आरबीसी फॉर्म करता है, रेड ब्लड सेल बनाता है एंड मेंटेन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम को क्या करता है, मेंटेन करता है। और ये हमें इजीली कहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं, फिश से, मछली हो गया, क्रैब, केकड़े, मटन, एग्स एंड चीज़, तो ये हमारे सोर्स हैं विटामिन B12 के। अगर इसकी बॉडी में कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम होगी, रैपिड ब्रेथिंग, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, यानी अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है, या फिर रैपिड हार्ट बीट, ठीक है ना, तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड पेल स्किन, जो आपकी स्किन होगी वो पीली पड़ जाएगी, ठीक है, एंड साथ में क्या होगा, आपका वेट लॉस भी हो सकता है, किसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बी के लगभग सारे विटामिन्स पढ़ लिए हैं, B12 तक ही हैं हमारे विटामिन बी के। और जो आपके बी, जो आपके सी डी ई एंड के बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उनके फंक्शन, सोर्स और इफ़ेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी, क्योंकि जो बी के हैं वो काफ़ी ज़्यादा विटामिन है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बचे हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तब तक के लिए थैंक यू।